नमस्कार, मैं ध्रुव देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना के रिजवान पैलेस पे पप्पू यादव आए हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने फॉगिंग करवाई है और अब जवानों को पानी दे रहे हैं और लगातार पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, पप्पू यादव ने आप लोगों को पानी दिया है? पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा था। पानी 3 दिनों से नहीं आ रहा था, पप्पू यादव ने पानी दिया है। आप क्या कहेंगे सर? मार गए पानी, पप्पू यादव आए हैं, हम लोगों को पानी दिया है। पिछले 3 दिन से पानी हम लोगों का बंद था, शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पप्पू यादव जिंदाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पप्पू यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद के नारे आप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ हम लोग को पानी नहीं है, पैखाना नहीं है, मच्छर से मर गए हम लोग बरसात में, क्यों पानी? ये पहले नेता है जो है? जी हाँ, कोई नेता आज तक नहीं आया, कोई नेता नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई नेता नहीं आए हुए थे। हम लोग बेकार का जिंदगी यहाँ पर है, होम गार्ड बीएमपी हम लोग है यहाँ पर, बाथरूम है कई साल से, कोई आज तक नेता नहीं आए थे। और हम लोग से सरकार डिप्टी लेते हैं, खाली रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे हम लोग रहेंगे? न पानी का ठिकाना, नदी का ठिकाना, हम लोग को ट्रैफिक में डिप्टी करनी है चौक चौराहा पर, कोई व्यवस्था यहाँ रहने का नहीं है, खाली हमारे ट्रैफिक एसपी डिप्टी लेते हैं हमसे। आखिर आप रखे हुए हैं यहाँ पर हमसे, हमको रहने का ये स्थिति आई है। पप्पू यादव यहाँ जवानों के लिए पानी लेके हैं और लगातार जो जवान है वो अपने हाथों में पानी का बोतल लिए हुए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसी स्थिति थी आपकी? बहुत स्थिति खराब है सर, यहाँ तो हम लोग नरकुंड में पड़े हुए हैं। यहाँ न पैखाना है, न पानी का व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। सरकार खाली ड्यूटी चाहते है। ये पप्पू बाबू को धन्यवाद, 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 उनको बहुत आशीर्वाद, बाल बच्चा आनंद रहे। चलिए दूसरी ओर छोड़ लेके चलते हैं, जहाँ पप्पू यादव लगातार हैं और इन लोगों की मदद कर रहे हैं। एक बार फिर मैं लास्ट कमेंट पप्पू यादव से जाऊँ, पानी भी इन लोगों नहीं है पीने के लिए सर, आपने दिया पानी, खुश हो गए जवान? हमें आप एक बात बताइए ना, शुगर आता हो जिसके खाना जहाँ बनते हैं सर, ये जो भारत माता की जिंदाबाद करता है ना, जो ये पेड न्यूज है जो लोग है, और राष्ट्रवाद उसको इस इंसान को देख करके उसको समझ आना चाहिए भारत माता और राष्ट्रवाद क्या है। इससे बड़ा मौत क्या कमेंट पास करें सर? खाना बनता है, राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने वाले लोग, उसका जब जिंदगी नहीं है यहाँ। स्टेशन और डाक बंगला चौराहा पर है, ये पंखा नहीं है सर। नेताओं को एक दिन यहां रखा जाए, मैं देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को कहूंगा कि यहां आकर के रहे एक दिन, या अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक दिन रख दे, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। ये स्थिति, ये क्या है, ये स्थिति होगी भैया? आप हमको बताइए ना, जवान बगैर पानी के जिएगा क्या? जब तक ये डेंगू से नहीं मरेंगे तब तक इनको संतोष नहीं होगा। डेली यहां पर मच्छर मारने वाला डेली एक बार मशीन एक घंटे के लिए आएगा, और छठ के बाद यहां बाथरूम बनना शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे, ये पूरी दुनिया देखे, इस सरकार को जितनी औकात है ना, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा है, अपनी जिंदगी को बेचकर इंसान को बचाने की मुझे औकात है। चलिए, ये थे पप्पू यादव जो बता रहे थे कि यहाँ पे हर दिन पॉइंट करवाई जाएगी, ताकि छठ के बाद शौचालय भी बनाया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।